हमारा टॉपिक सुसाइड से रिलेटेड है, तो ये जो इसमें दिख रहा है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, जिसमें दिखाया गया है कि जो 19 ईयर ओल्ड नीट एस्पिरेंट ने जो है कोटा पे सुसाइड का केस लिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा करना बहुत ज़्यादा गलत है। सबसे पहले देखो, ये कोई छोटी बात तो है नहीं है, इतना बड़ा मामला कि स्टूडेंट सुसाइड कर ले रहा, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा दुख होता है वो होता है उनके पेरेंट्सों को। अब बच्चे लोग तो इतना प्रेशर पे या फिर इतना ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब नीट हो या फिर जेई हो, कोई भी एग्ज़ाम में तो बच्चा ज़्यादातर प्रेशराइज्ड हो जाता है। लेकिन बच्चों को जो है थोड़ा सा मेंटली होके सोचने की ज़रूरत होती है कि अगर वो सुसाइड करते हैं तो कितना नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है सोशल लाइफ पे। तो देखो, सबसे पहले समझो कि अब बच्चे सोचेंगे कि यार हमारे पेरेंट्स तो भाई इतना प्रेशर करके हमको पढ़ा रहे हैं कि तेरे को डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तू पढ़ 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 पढ़। तो सिंपल सा लॉजिक है कि तुमको ऐसा लगता है कि भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हम लोगों से उतना ज़्यादा मतलब स्नेह नहीं कर पा रहे हैं हमको, जब देखो जब प्रेशर करते हैं कि तू पढ़, तू डॉक्टर ही बनना, जैसा भी पढ़ना तू पढ़। लेकिन बच्चों को ये सोचना चाहिए कि भाई कभी आपकी अगर तबीयत ख़राब हुई हो तब ने आपने कैसे फील किए हो अपने पेरेंट्स को। अगर आपको थोड़ी सी चोट लग जाती है, बीमार हो जाते हो या कुछ भी कंडीशन आपके साथ होती है, तो सबसे ज़्यादा जो दुख होता है पेरेंट्स को, वो सबसे पहले आपके पास आते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, हर चीज़ की केयर करते हैं, है ना। मतलब जब आपको लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, कितना सोचते हैं, थोड़ी सी दिक्कत में इतना कुछ करते हैं, तब आपको अंदर से इमोशंस जागते हैं और आप ये करते हो। तब यही कंडीशन उस टाइम में सोचा करो ना, जब आपको इतना प्रेशर दिया जाता है, तो तब आपको ध्यान करना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स भाई जब हमको छोटी सी चोट लग जाती है तो कितना हमारे बारे में सोचते हैं। तब आपको समझना चाहिए ना भाई कि जो हमारे पेरेंट्स हैं जी ऊपर ऊपर से हमको बोल रहे हैं ताकि मेरा ही फ्यूचर बनेगा ना। तो इस प्रकार से जो है उनके दुखों को समझो भाई, अगर आपने सुसाइड किए हो तो आपकी अगर आत्मा जो है ना ऊपर जाएगी ना, तो वो क्या सोचेगी, रोते हुए पेरेंट्स को देखेगी और वो भी सोचेगी कि यार इतना दुख मेरे पेरेंट्स का मैंने आज तक नहीं देखा, काश मैं आज सुसाइड नहीं करता। फिर आप पछताओगे ना, ऊपर भी आपकी आत्मा रहे, ऐसे ही लोग समाज आपके लिए पछताता है कि यार ये बच्चा काश एक बार बोल लिया होता तो ये बच जाता या फिर ना करता। तो पेरेंट्स का दुख देख के इसके बाद जो भी सोशल समाज के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको यही लगता है, जो कि एक हर किसी इंसान को लगता है, जो सुसाइड करता है वो तो भाई उसको पता नहीं ना, लेकिन उसके समाज के लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना था। ठीक है, तब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पास आपके पास चांस ही नहीं है भाई, सुसाइड करने के बाद आदमी ज़िंदा थोड़ी हो जाएगा। तो आपको जस्ट उसके पहले सोचना चाहिए और ऐसे कदम उठाने से बिल्कुल बचना चाहिए। अब बात करते हैं हम इस फील्ड की कि भाई देखो, मैं खुद एक MBBS स्टूडेंट हूँ, तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ना केवल MBBS की बात करते हैं अपन, कोई भी फील्ड की बात करते हैं, चाहे फिर इंजीनियरिंग हो या फिर UPSC हो, IAS वगैरह हो, ऐसे टॉप 10 के अगर अपन देखें एग्ज़ाम में तो यही आते हैं, UPSC हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और MBBS। तो भाई क्या सोचते हैं पेरेंट्स को, तो ठीक है भाई उनको पता है कि यार ठीक है अच्छा फील्ड है, बच्चे जाएंगे तो उनका ही फ्यूचर बनेगा। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों को लगता है कि यार नहीं, सचमुच में MBBS बनने के बाद जो है पूरी लाइफ सेट हो जाती है, इसके अलावा कुछ रहता ही नहीं है, अगर दूसरे फील्ड में जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, MBBS में भी आपका सिलेक्शन होगा ना, तो उसमें भी नाम से ही पता चल रहा है MBBS मतलब भाई मेडिसिन एंड सर्जरी, ये तो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आपको लगता है क्या है कि हम सर्जरी MBBS में जाएंगे तो सर्जरी करने लगेंगे, तो ये तो बिल्कुल होता ही नहीं है। MBBS में सिर्फ उससे आपको जो है को रिलेट किया जाता है कि ठीक है आप सर्जरी के बारे में स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे क्लिनिकली वगैरह, बाकी आपको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता। वो फिर आप जब फिर से नीट PG दोगे MBBS के बाद, तब फिर आप उसके लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि भाई नहीं MBBS नीट में सिलेक्शन हुआ तो MBBS में मौज ही मौज करेंगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, और तब जाके जो है और उसमें कुछ होता है। ठीक है, बाकी इन्जॉय वो नहीं है जैसे कि अपन को लगता है कि यार मेडिसिन एंड सर्जरी, भाई हम तो सर्जन बन जाएंगे, MBBS हमारा मतलब चलेगा तो हम फर्स्ट ईयर से ही देखो तो सर्जरी करेंगे जगह जगह पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें भी बहुत स्ट्रेस है, बहुत वो है,
लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, भविष्य में आप दूसरों को कभी ना कभी सर्जन बन के या फिर मेडिसिन बन के अच्छा करोगे, तो ये बहुत अच्छा मौका मतलब MBBS का ये तो है, बट उतना भी मौजफुल नहीं है कि एंजॉय ही एंजॉय इसमें मिले। ठीक है, ऐसे ही IAS की बात करें तो भाई आप क्या सोचते हो कि कलेक्टर बनने के बाद हमारे पास इतनी बड़ी ताकत आ जाएगी कि हम किसी को भी कुछ भी कर लेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, उसमें भी कलेक्टर जो IAS लोग जो बन जाते हैं ना, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहता है, किसी पॉलिटिशियन का रहेगा तो किसी के लॉ का रहेगा, तो उनको भी दिक्कतें होती। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ पड़े होंगे पता, कि पहले MBBS का मैं किए वाले जो एक IAS कलेक्टर थे, उनको पता है इतना मतलब कि उन्होंने किसी जो है पॉलिटिशियन को जो उन्होंने भाषण देने से रोक दिया, इतना सा करने से क्या हुआ कि भाई मतलब ऐसा न्यूज पे है कि उनके विरुद्ध में जो है गलत आरोप लगा के उनको जेल पहुंचा दिया गया। तो भाई बताओ कौन से फील्ड का है जॉब है जो तुमको हमेशा जो है कोई उसमें दुख दर्द नहीं मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से रहोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता ना। कलेक्टर और MBBS में इतना दुख दर्द है तो क्या बाकी फील्ड में सोचते हो नहीं? अगर आपको इस फील्ड में ना भी मिले ना, तो कोई फील्ड में जाओ, एटलीस्ट अपने माँ बाप को जो है या पेरेंट्स को जो, उनको दुख तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सोचा करो जो मैंने बताया, तो आप कभी ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, इसके बाद तो हर लोग को बताओगे जो तुम्हारा दुश्मन भी है ना, तो वो भी सोचेगा कि यार ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल भी गलत है, सुसाइड करना कोई भी इसके फेवर पे नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो शेयर करो, ताकि जो बच्चे इस मुसीबत से जूझ रहे हैं उनका थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वो अपनी राह में आगे बढ़ें और समझें, क्योंकि इस कम उम्र में कुछ बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ में मैच्योरिटी नहीं आ पाती।